हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉड ऑफ रोमांस में। और आज की मूवी का नाम है क्ल्यूलेस, जो 1995 में रिलीज हुई थी और ये एक बेहतरीन टीनेज मूवी है। चेर अपने डैड के साथ बेवर्ली हिल्स के एक मेंशन में रहती है, जो कि एक प्राइवेट वकील है। चेर की मॉम की लिपोसेक्शन करवाते समय डेथ हो गई थी। चेर काफी कूल लड़की है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है डेऑन, जो उसी की तरह अमीर और कूल है। वो दोनों हाई स्कूल में पढ़ती हैं। डेऑन का एक बॉयफ्रेंड है मर्फी, जो स्कूल में काफी पॉपुलर है, लेकिन चेर को वो ज्यादा पसंद नहीं है। चेर पढ़ाई में ठीक ठाक है। मिस्टर हॉल सबको रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और चेर को सी ग्रेड मिलता है। और एक स्टूडेंट ट्रेविस अपने ग्रेड देखकर खिड़की से कूदने लगता है। मिस्टर हॉल उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी क्लास खत्म होने के बाद तक रुक जाओ, उसके बाद चाहे तो सुसाइड कर लेना। चेर डेऑन को कॉल करके अपने ग्रेड बताती है और कहती है कि उसके पापा तो भड़क ही जाएंगे उसके ग्रेड्स को देखकर। चेर का एक सौतेला भाई है जॉश, जो स्कूल की छुट्टियों में अपने डैड के घर आता है। चेर उसे ज्यादा पसंद तो नहीं करती, लेकिन उससे नफरत भी नहीं करती। जॉश एनवायरमेंटल लॉ करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो कॉर्पोरेट लॉ करे। चेर जॉश का मजाक बनाती है। उसके डैड कहते हैं एटलीस्ट जॉश को पता है कि उसे करना क्या है, वो तुम्हारी तरह नहीं है जिसे पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। चेर कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। जॉश उसे चिढ़ाता है और कहता है हाँ तुम्हें मॉल जाना होगा ना। फिर डैड चेर से उसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछते हैं। चेर कहती है कि फिलहाल उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं है। डैड कहते हैं मतलब? वो बताती है कि टीचर्स उसके साथ काफी अनफेयर है, इसलिए मैंने उनके दिए हुए ग्रेड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। डैड कहते हैं वेरी गुड। जॉश पूछता है कि तुम अपने ग्रेड्स को चेंज करवाने के लिए क्या करने वाली हो। चेर कहती है वही जो मैं हर सेमेस्टर में करती हूँ। चेर हर एक टीचर के पास अपने ग्रेड्स को चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं। चेर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो शॉपिंग करने चली जाती है और डेऑन से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर हॉल को ग्रेड्स चेंज कराने के लिए कैसे मनाए। फिर उसे एक आइडिया आता है और कहती है कि उसे ये पता करना पड़ेगा कि मिस्टर हॉल को किस तरह वो खुश कर सकती है। चेर मिस्टर हॉल के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि वो 47 साल के सिंगल आदमी है। और फिर वो एक ऐसी टीचर को ढूंढती है जिसके साथ वो मिस्टर हॉल के सेटिंग करा सके। उसे अपना टारगेट मिल जाता है। मिस चाइस्ट का फैशन सेंस 0 है। चेर मिस चाइस्ट को मेक ओवर देने की सोचती है। वो मिस चाइस्ट के लॉकर में एक गुमनाम लव लेटर रख देती है और उस लेटर को पढ़ के मिस चाइस्ट काफी खुश हो जाती है। वहाँ चेर मिस्टर हॉल को कहती है कि मिस चाइस्ट को पूरे स्कूल में सिर्फ आप ही सबसे ज्यादा समझदार इंसान लगते हैं। ये सुनकर मिस्टर हॉल काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ चेर के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से घर पर उसको टिकट्स भेजे जाते हैं और डैड उसको जीप ड्राइव करने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम खुद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। चेर जॉश को अपने साथ चलने के लिए पटाती है और कहती है डैड ने उसे बिना लाइसेंस वाले आदमी के साथ जीप चलाने से मना किया है। जॉश उसे सही से ड्राइव करना सिखाता है और कहता है अरे जेम्स बॉन्ड, अमेरिका में हमें राइट साइड पर ड्राइव करनी पड़ती है। चेर कहती है तुम खुद तो पार्किंग के लिए वैलेट का यूज करते हो। जॉश फिर उससे अपने करियर प्लान बताता है। वो जॉश को बताती है कि फिलहाल वो अपने स्कूल टीचर्स को उनके प्यार पाने में हेल्प कर रही है। जॉश कहता है कि अगर तुम ये बिना किसी स्वार्थ के कर रही हो तो मैं शॉक के कारण मर जाऊंगा। वहाँ स्कूल में चेर मिस्टर हॉल को कॉफी देती है और उसे मिस चाइस्ट के साथ पीने को कहती है और मिस चाइस्ट के पास जाकर उन्हें थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाती है। फिर वो देखती है कि वो दोनों साथ बैठे हैं और मिस्टर हॉल मिस चाइस्ट का नंबर लिख रहे हैं। चेर कहती है बुढ़े लोग कितने क्यूट होते हैं ना। और फाइनली चेर को अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं और वो मिस्टर हॉल और मिस चाइस्ट को किस करते हुए देखती है। मिस चाइस्ट अब काफी कूल हो गई हैं और वीकेंड पर कोई होमवर्क नहीं देती। सारे स्टूडेंट्स चेर को उन सब के ग्रेड्स अच्छे करने के लिए थैंक्स कहते हैं और डैड चेर के ग्रेड्स देखकर खुश हो जाते हैं। वहाँ प्लेग्राउंड में कोई भी गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब बहाने बना रहे हैं। तभी वहाँ एक नई स्टूडेंट ताई आती है और चेर को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो है ताई का मेक ओवर करना। वो ताई को उनके साथ रहने को कहती है। चेर
उसे स्कूल घुमाती है और वहाँ के स्टूडेंट्स की क्वालिटी बताती है। चाई चेयर से पूछती है कि इन सब में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। डॉइन कहती है कि चेयर को हाई स्कूल के लड़के पसंद नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ताई उन दोनों के लिए सोडा लेने जाती है जहाँ उसे ट्रेविश मिलता है और दोनों में बातें होने लगती है। ट्रेविश ताई को अपना स्केट दिखाता है। ताई उसे अपने ड्रॉ किए हुए स्केचेस दिखाती है। ट्रेविश ताई से काफी इम्प्रेस होता है। ताई चेयर को बताती है कि वो काफी प्रभावशाली लड़के से मिली। चेयर उसकी डिटेल्स मांगती है। ताई बताती है कि उसके लंबे बाल है और वो काफी फनी है। और तभी उसे ट्रेविश दिखता है और वो उसकी तरफ इशारा करती है। चेयर ताई से पूछती है कि क्या तुम ड्रग्स लेती हो। ताई कहती है हाँ। चेयर उसको समझाती है कि ये सब कभी कभी पार्टी में लेना ठीक है। वो उससे उसकी एज पूछती है और उसको कुछ घास पर बैठे हुए लड़कों की तरफ इशारा करते हुए समझाती है कि उन लड़कों को कोई भी इज्जतदार लड़की डेट नहीं करती और तुम गलत लोगों के साथ शुरुआत नहीं करना चाहोगी। फिर चेयर ताई से उसका मेकओवर करने को बोलती है और वो शुरू हो जाते हैं। वहाँ जोश आकर उन दोनों को देखता है। चेयर जोश के पास आती है और कहती है कि वो मानवता के लिए कुछ करना चाहती है। जोश कहता है कि तुम इस लड़की की माँ की तरह बिहेव कर रही हो। चेयर जोश से कहती है कि मैं उसका मेकओवर कर रही हूँ, मेरी वजह से उसकी लाइफ काफी अच्छी होने वाली है। वहाँ स्कूल में सब ताई का नया रूप देखते रह जाते हैं। ट्रेविश ताई को एक पार्टी का इनविटेशन देता है लेकिन चेयर कहती है कि वहाँ लो क्लास की लड़कियाँ जाती हैं, लेकिन ताई वहाँ जाना चाहती है। वो पूछती है कि क्या वहाँ ट्रेविश होगा। डायन ताई से कहती है मैंने सोचा था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड अब हाई हो चुका होगा। चेयर ताई को कहती है कि तुम्हें वो सब मिलने वाला है जो इस स्कूल में किसी के पास नहीं है। ताई चेयर से कहती है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। चेयर कहती है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ। तुम इस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बनने वाली हो और तब तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है। ताई पूछती है जैसे। चेयर सोचती है कि कौन सा लड़का अवेलेबल है। वो एल्टन का नाम लेती है जिसका अभी अभी वेल के साथ ब्रेकअप हुआ है। चेयर कहती है और वो तुम्हें देख भी रहा था। ताई पूछती है वो मुझे देख रहा था। चेयर कहती है हाँ और तुम उसे काफी स्वीट लगती हो। ताई खुश हो जाती है। डॉन चेयर से पूछती है कि ये सब जो तुमने अभी अभी कहा क्या वो सच है। चेयर हंसते हुए कहती है नहीं यार। फिर चेयर सबका ग्रुप फोटो ले रही है लेकिन ताई काफी अनकंफर्टेबल है। चेयर ताई को एल्टन के पास आने को कहती है और एल्टन से कहती है कि तुम ताई को हग करो। फिर वो ताई को अपने पास बुलाती है, उसे एक फूल पकड़ा के उसकी फोटो लेने लगती है। एल्टन आकर कहता है बढ़िया है। चेयर पूछती है कि क्या ताई क्लासिक नहीं लग रही। एल्टन कहता है हाँ वो खूबसूरत है। वो चेयर से उस फोटो की एक कॉपी देने को कहता है। चेयर ताई को अपने डैड से मिलवाती है। डैड ताई को कहता है मेरी चेयर से उठो। फिर चेयर को डायन का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड का लॉकर एल्टन के लॉकर के पास है और उसने ताई की फोटो एल्टन के लॉकर में चिपका दी है। चेयर ताई को झूठ बोलती है कि एल्टन ने उसकी फोटो अपने लॉकर में टांगी है। ये सुनकर ताई खुश हो जाती है और फिर वो एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ ट्रेविश गलती से चेयर के शूज में बियर गिरा देता है। फिर वो सब मिलकर सक्स एंड ब्लो गेम खेलने लगते हैं। एल्टन जानबूझ का कार्ड नीचे गिराकर चेयर को किस कर लेता है। वहाँ डेऑन का बॉयफ्रेंड टकला हो रहा है। डेऑन उस पर चिल्ला रही है कि क्या करवा रहे हो। मर्फी कहता है कि कितना कूल लुक है। डायन कहती है मैं तुम्हारी मॉम को फोन करने जा रही हूँ। वो कहता है प्लीज मॉम को फोन मत करो। चेयर और ताई डांस करने लगते हैं। ताई फिर से ट्रेविश से बात करने लगती है। चेयर उसे अपने पास बुलाकर कहती है एल्टन उधर है, लेकिन एल्टन का सारा ध्यान चेयर की तरफ है। तभी ताई के सिर पर कुछ गिरता है और वो बेहोश हो जाती है। चेयर एल्टन को मदद करने के लिए कहती है। ट्रेविश पूछता है कि क्या हुआ। चेयर उसे ताई के पास नहीं आने देती। ताई को होश आ जाता है, वो एल्टन के साथ चली जाती है और डांस करने लगती है और चेयर ताई के लिए काफी खुश है। चेयर के डैड चेयर को 20 मिनट में घर आने को कहते हैं। चेयर समर को कहती है कि उसे घर छोड़ दे, लेकिन समर का घर ताई के घर के पास है। एल्टन चेयर से कहता है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चेयर चाहती है कि ताई एल्टन के साथ जाए, लेकिन एल्टन चेयर को कार में बैठा देता है। वहाँ चेयर एल्टन से पूरे रास्ते ताई की बातें करती है। एल्टन कहता है कि चेयर उसकी एक क्लॉथी फ्रेंड है जो लड़की है। चेयर कहती है आई नो वैलेट के साथ तुम्हारा ब्रेकअप काफी बुरा था। एल्टन कहता है हम दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अकेला रहना कैसे लगता है। एल्टन कार रोक कर चेयर को किस करने लगता है। चेयर कहती है क्या कर रहे हो, मुझे लगता है तुम ताई को पसंद करते हो, तुम्हारा लॉकर में उसकी फोटो है। एल्टन कहता है कि मेरे लॉकर में वो फोटो है जो तुमने क्लिक करी थी और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी फोटो है।
चेयर कहती है, मुझे लगता था तुम ताई को पसंद करते हो। एल्विन कहता है, मैं उसे क्यों पसंद करूंगा। ताई और मैं, इस बात का कोई सेंस नहीं है, तुम्हें पता है मेरे डैड कितने रईस हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चेयर उसकी कार से उतर जाती है। एल्टन उसे मनाने की कोशिश करता है, फिर चला जाता है। वहाँ चेयर को अकेला देखकर एक आदमी उसके सारे पैसे और फोन लूट लेता है। चेयर जोश को फोन करके उसे पिक करने को कहती है। जोश अपनी गर्लफ्रेंड हीदर के साथ आता है और चेयर से कहता है, यहीं रुको, मैं उसे ऊपर छोड़कर आता हूँ। चेयर बॉडी मसाज करवा रही है और सोच रही है कि वो ताई को क्या बोले। ताई ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है। वो कहती है, ये सब मेरे हिप्स की वजह से हुआ है ना। वो उसे समझाते हैं कि तुम एल्टन के लिए फिट नहीं हो, तुम उससे काफी बेटर हो। वो ताई को चिल करने के लिए एक कैफे ले जाते हैं। डायन ताई को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन वो अभी तक वर्जिन है क्योंकि चेयर उसे कुछ भी नहीं करने देती। वहाँ पर वही सॉन्ग बजता है जिसमें एल्टन के साथ ताई ने डांस किया था। वो रोने लगती है और चेयर को अब कोई और लड़का ढूंढना होगा जो एल्टन की जगह ले सके। वहाँ स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, क्रिस्टीन, और चेयर कहती है कि मुझे ताई के लिए लड़का ढूंढना था, लेकिन अपने लिए भी तो लड़का ढूंढ लूं। और क्रिस्टीन को ये दिखाने के लिए कि उसे कितने लड़के अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मरे जा रहे हैं, वो खुद को ही फ्लावर और गिफ्ट भेजती है और क्रिस्टीन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बॉडी शो ऑफ करती है। क्रिस्टीन चेयर से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर सके। चेयर कहती है कि उसका स्टेप ब्रदर ने सैटरडे को पार्टी रखी है। क्रिस्टीन चेयर के घर आता है। चेयर अपने डैड को कहती है कि क्रिस्टीन को कहो थोड़ा वेट करे, वो अभी तैयार नहीं है। वो जॉस से दरवाजा खोलने को कहती है। क्रिस्टीन अंदर आता है और चेयर का डैड पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करते हो। क्रिस्टीन को लगता है वो उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। वो कहता है, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। डैड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ड्रिंक करने वाले के साथ अपनी बेटी को भेजूंगा। मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम ड्रिंक करते हो। तभी चेयर आ जाती है और उसको देखकर जॉस डैड से कहता है कि आप उसे इन कपड़ों में बाहर जाने दोगे। डैड चेयर को बुलाकर कहता है, ये क्या पहना हुआ है। चेयर कहती है, ये कैल्विन क्लेन की ड्रेस है। डैड कहता है, ये अंडरवियर लग रही है, इसके ऊपर कुछ पहनो। चेयर कहती है, वो पहनने ही वाली थी। डैड क्रिस्टीन से कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उनके पास पिस्टल और बेलचा है और तुम्हें दोनों नहीं छोड़ेंगे। हाय, जोश का मन नहीं लग रहा काम में। वो डैड से कहता है कि उसे क्रिस्टीन पसंद नहीं आया। डैड पूछता है, उसमें पसंद करने जैसा क्या था। जॉश कहता है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए। जॉश पूछता है कि आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। डैड कहते हैं, जाओ। जॉश कहता है, मैं आपके लिए उस पर नजर रखूंगा। लेकिन डैड सब समझते हैं। वहाँ पार्टी में ताई एल्टन को किसी और लड़की के साथ देखती है और पूछती है कि क्या वो लड़की सुंदर है। चेयर कहती है, वो दूर से अच्छी लग रही है, पास जाकर किसी पुराने कूड़े की तरह लगेगी। फिर चेयर क्रिस्टीन से पूछती है कि उसे वो लड़की कैसी लग रही है। क्रिस्टीन कहता है कि वो काफी बदसूरत है। फिर क्रिस्टीन चेयर से पैसे मांगता है क्योंकि वो लोग बियर के लिए चार्ज कर रहे हैं और कहता है, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। ताई कहती है, ये कितना प्यारा है। चेयर कहती है, तुमने देखा ना वो किस तरह मेरे प्यार में पागल है। और कहती है, देखो वो दूसरी लड़कियों को कैसे इग्नोर कर रहा है। तभी ताई जॉश को देखती है और अपना श्रग उतार के कहती है कि इसे कैसे बांधूं। चेयर क्रिस्टीन के साथ डांस करने लगती है, लेकिन ताई को उदास देखकर वो दुखी हो जाती है। तभी जॉश आकर उसके साथ डांस करने लगता है। चेयर क्रिस्टीन से कहती है, देखो जॉश डांस कर रहा है, उसने आज तक डांस नहीं किया। चेयर खुश हो जाती है। वहाँ क्रिस्टीन चेयर को छोड़कर एक लड़के के साथ डांस करने लगता है और जॉश वो सब देख रहा है। सबके जाने के बाद जॉश चेयर से पूछता है कि वो घर कैसे जाएगी। चेयर क्रिस्टीन को बुलाती है। वो बोलता है, वो अभी रुकेगा। जॉश कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। क्रिस्टीन कहता है, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। चेयर जॉश को ताई के साथ डांस करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो घर आकर अपने बाल ठीक करती है। जॉश पूछता है, तुम दिन में कितने घंटे खुद को संवारने में लगाती हो। चेयर कहती है कि कुछ लोग इतने लकी नहीं होते कि तुम्हारी तरह नेचुरली अच्छे दिख सके। जॉश कहता है, हट पगली, रुलाएगी क्या। जॉश की मॉम कॉल करती है और जॉश इशारे से चेयर से कहता है कि उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। जॉश कहता है कि वो चाहती है मैं घर वापस आ जाऊँ और उनका हस्बैंड नंबर 4 घर पर है और वो बस मुझे नीचा दिखाते हैं। चेयर पूछती है, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। जॉश कहता है, वो उसकी सोशल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता। तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारा भाई के टैग वाला तुम्हारे आसपास घूम रहा हो। चेयर कहती है, तुम मेरे भाई नहीं हो। क्रिस्टी चेयर को फोन करके कहती है कि वो उसके घर कुछ वीडियो टिप्स लेकर आएगा और दोनों बैठ कर देखेंगे। क्रिस्टीन डायन के साथ मिलकर अपने लिए एक परफेक्ट ड्रेस चूज कर रही है और उसका मानना है कि जब भी तुम्हारा घर कोई लड़का आए तो कुछ ना कुछ बेक करना चाहिए। फिर वो मेकअप करती है और क्रिस्टीन घर आता है और कहता है, कुछ जलने की बदबू आ रही है। चाय भाग कर किचन में आती है और जो भी वो बेक कर रही थी वो जल जाता है। क्रिस्टीन उसे उसका घर दिखाने को कहता है। चाय स्विमिंग के लिए कहती है। क्रिस्टीन कहता है, चलो मूवी देखते हैं।
चेयर कहती है, मुझे लगा था तुम कुछ हॉट और सेड्यूसिंग सी मूवी दिखाओगे, लेकिन वो एक ओल्ड क्लासिक मूवी लेकर आता है। चेयर उसे अपने लेग्स से टच करके सेड्यूस करने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन पूछता है, तुम क्या कर रही हो? चेयर कहती है, उसके पैरों में ठंड लग रही है। क्रिस्टीन उसके पैरों में पिलो रख देते हैं। क्रिस्टीन को सेड्यूस करने के चक्कर में वो बेड से नीचे गिर जाती है। क्रिस्टीन कहता है वो थक गया, वो जाने लगता है और चेयर को गालों पर किस करने को कहता है। चेयर को समझ नहीं आता कि क्रिस्टीन ने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं, क्या उसके बाल ज्यादा ही स्ट्रेट थे इसलिए, क्या गड़बड़ थी, लाइट्स प्रॉपर नहीं थी या कुछ और। ये बात वो डायन और मर्फी से शेयर करती है और कहती है कि वो बस सेक्स करने ही वाले थे। मर्फी पूछता है, तुम किसके साथ सेक्स करने वाली थी? चेयर कहती है, क्रिस्टीन के साथ। मर्फी हंसता है और कहता है, तुम लड़कियां अंधी हो क्या, क्रिस्टीन गे है। चेयर को लगता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। डैन कार गलत लेन में चलाने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मर्फी उसको कूल रहने को कहता है और उसको काफी सपोर्ट करता है और डैन को रियलाइज हो जाता है कि जिंदगी में प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद डैन मर्फी के साथ अपनी वर्जिनिटी खो देती है और चेयर को रियलाइज होता है कि उसे खुद के लिए बॉयफ्रेंड की कितनी जरूरत है। क्रिस्टीन के साथ चेयर का कुछ हो तो नहीं पाता, लेकिन वो उसका फेवरेट शॉपिंग पार्टनर बन जाता है। वहाँ ताई को मॉल में कुछ लड़के मिलते हैं और वो उसे बातों बातों में उल्टा लटका देते हैं। क्रिस्टीन ताई को उन लड़कों से बचाता है और उस मॉल वाले इंसिडेंट की वजह से ताई स्कूल में काफी पॉपुलर हो जाती है और सब उससे पूछते हैं कि मौत को इतने करीब से महसूस करने पर कैसा लगता है। चेयर बीच में बोलने लगती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करके ताई में इंटरेस्ट दिखाते हैं और चेयर काफी इग्नोर फील करती है। वो ताई को क्रिस्टीन के लिए गिफ्ट लेने को कहती है क्योंकि उसने तय की जान बचाई थी, लेकिन वो कहती है आज नहीं, आज वो अंबर के साथ कहीं जा रही है और वो एक हफ्ते तक बिजी है और डायन भी अब चेयर के साथ हैंग आउट नहीं कर रही। वहाँ ट्रेविश आता है और ताई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ताई उसे बिल्कुल भाव नहीं देती क्योंकि वो अब फेमस हो चुकी है। चेयर को ताई का बिहेवियर देखकर काफी हैरानी होती है। ट्रेविश को काफी बुरा लगता है और डायन ताई से पानी में सेक्स कैसे करते हैं वो पूछ रही है। चेयर की पॉपुलरिटी खत्म हो जाती है और वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी वाइट ड्रेस ढूंढ रही है और ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है और वो जोश को बताती है कि जोश ताई के साथ होता है। ताई चेयर को बताती है कि वो एल्टन से जुड़ी चीजों से पीछा छुड़ाना चाहती है जो उसकी याद दिलाते हैं, जैसे कि वो टॉवल जो उसने उस पार्टी से चुराई थी जहां उसे चक्कर आया था और एल्टन ने वो यूज की थी। वो उन सबको एक एक करके जला देती है। चेयर उस टेप को जलाने से रोकती है और कहती है कि वो उसके लिए खुश है। ताई चेयर से जोश से उसकी सेटिंग कराने को कहती है। चेयर पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करता है? ताई कहती है शायद करता है, वो हमेशा मुझे टच करने के बहाने ढूंढता है और उस दिन जब उसने मुझे डांस के लिए पूछा था वो मेरे साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था। उसकी बात सुनकर चेयर अपसेट हो जाती है और ताई बताती है कि एक दिन वो हाई स्कूल गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और जोश ने कहा कि कॉलेज की लड़कियां कम मेकअप करती हैं इसलिए लड़कियों ने ज्यादा पसंद करते हैं। चेयर पूछती है तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम कुछ सोच सकती हो? वो काफी पुराने ख्याल का है। ताई कहती है कोई बात नहीं यार, मैं भी मेंटली चैलेंज्ड हूँ। ताई पूछती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ? चेयर कहती है नहीं, तुम दोनों ठीक हो। ताई को लगता है कि चेयर उसकी हेल्प नहीं करने वाली। ताई कहती है मैं तुम्हारी सुनी क्यों रही हूँ, तुम तो एक वर्जिन हो जिसे ड्राइविंग भी नहीं आती। ये सुनकर चेयर काफी अपसेट होती है, उसे काफी बुरा लगता है। ताई कहती है हम बाद में बात करेंगे जब मूड ठीक होगा। वो जाते समय बिल्कुल चेयर की नकल करती है और चेयर को लगता है उसने किसी नन्हे शैतान को जन्म दे दिया ताई के रूप में। चेयर जोश के बारे में सोचने लगती है कि वो तो उसके टाइप का है भी नहीं, फिर वो क्यों इतनी परेशान हो रही है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जोश काफी ब्रेव है, लेकिन उसे ताई से क्या चाहिए। जोश को तो ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो उसकी केयर करे, जो उसके जोक्स पर हंसे। तभी चेयर को फील होता है कि वो जोश से प्यार करने लगी है, वो उसके लिए पागल है। लेकिन अब उसे पता नहीं कि वो जोश के आगे कैसे बिहेव करे। क्या मैं उसके सामने क्यूट कपड़े पहनकर और खुद को फ्लावर्स और कैंडी भेजूं? जोश पूछता है तुम इतनी खामोश क्यों? वो कहती है मैं न्यूज देख रही हूं। जोश पूछता है कब से? चेयर अपने डैड की काम में हेल्प करती है और अपने डैड से कहती है वो किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का किसी और को पसंद करता है। उसका डैड कहता है वो लड़का बेवकूफ होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी और को पसंद करता है। चेयर कहती है उसे लगता है कि वो उसके लिए बेहतर लड़की नहीं है। डैड कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे अच्छा कोई मेरा ध्यान नहीं रख सकता, तुम बेस्ट हो, मैंने तुम्हारी मॉम के बाद से इतनी केयर करने वाली लड़की आज तक नहीं देखी। चेयर डिसाइड करती है खुद का मेकओवर करने का, लेकिन बाहर से नहीं अंदर से। वो अपनी फ्रेंड्स की खूबियों के बारे में सोचती है, फिर वो मिस जस्ट की एक प्रोजेक्ट में हेल्प करने की सोचती है और जोश से पूछती है कि तुम्हें रेड कैवियर पसंद नहीं है ना? रेड कैवियर एक डिश होती है। जोश डैड से कहता है ये किस बारे में बात कर रही है? वो अपनी वार्डरोब से सारी रेड ड्रेस हटा देती है क्योंकि जोश को रेड कलर पसंद नहीं है। डैड पूछते हैं तुम
कर क्या रही हो? चेयर बताती है कि वो पिज्मो बीच डिजास्टर रिलीफ की कैप्टन है और उन लोगों की हेल्प के लिए अपना सामान दे रही है। सुनकर जोश स्माइल करता है। स्कूल में चेयर के रिलीफ फंड में सब इंटरेस्ट दिखाते हैं। ट्रेविस भी चेयर की हेल्प करता है अपना सामान डोनेट करके। वो उसे अपना स्केटिंग दिखाने के लिए इनवाइट करता है। चेयर का ताई से पैचअप हो जाता है। ताई उससे माफी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए। ट्रेविस की स्केटिंग देखकर ताई काफी इम्प्रेस हो जाती है और चेयर को लगने लगता है कि जोश का भूत ताई के सर से उतर गया है। चेयर जोश के साथ है और जोश उसके साथ मस्ती कर रहा है और गलती से चेयर ने अपने डैड की फाइल्स मिक्स कर दी है। डैड का एम्प्लॉय चेयर को गुस्से से कहता है, मॉल जाकर शॉपिंग करो, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम। वहाँ जोश को इस आदमी के बिहेवियर पर गुस्सा आता है। वो जोश को कहता है कि वो बेवकूफ लड़की है, तुम्हें उसके साथ पप्पी वाला प्यार वाला गेम खेलना है तो खेलो। चेयर काफी अपसेट है। जोश उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ और ये सब मेरे लिए लर्निंग पीरियड है, लेकिन तुम जाकर मस्ती करो, शॉपिंग करो। चेयर कहती है, तुम्हें लगता है ये सब मैंने पैसों के लिए किया? फिर जोश कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो और डैड ही है जो मेरी केयर करते हैं। चेयर कहती है, वो अकेले नहीं है जो तुम्हारी केयर करते हैं। जोश पूछता है कि क्या तुम भी मेरी केयर करती हो? जोश चेयर को केस कर लेता है। और मिस्टर हॉक मिस चाइल्ड से शादी कर रहे हैं। ट्रेविस और ताई अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और ताई चेयर और डैन मिलकर अपनी शादी की बात कर रहे हैं और उनके बॉयफ्रेंड उनकी बातें सुन रहे हैं। वहां जोश $200 की शर्त लगाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चेयर ही फूलों वाला बुके पकड़ेगी और फाइनली वो शर्त जीत जाता है।